कार्नोट साइकिल्स, देखिए कोई भी इंजन ले लीजिए, चीज तो वही होती है, सोर्स सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया अभी यहाँ पे, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट भी, सोर्स ऑफ हीट, कितना हीट देता था ये एट हाई टेम्परेचर T1, कर लोगे। यहाँ पे इसने रखा है एक और चीज़ भी, एक एक्स्ट्रा चीज़ रखी है, इसका नाम दिया गया इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड, जो रबड़ की बनी होगी भी, रबड़ या किसी ऐसे मटेरियल की जो हीट के एक्सचेंज को रोक सके भी, जहाँ पे हीट ना तो अंदर जाए ना बाहर जाए भी, कर लोगे। फिर था सिंक भी, थर्ड क्या था, सिंक, सिंक एट लो टेम्परेचर T2, ओके। इसने यूज किया एक सिलेंडर भी, जिसकी वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग थी भी, सॉरी परफेक्टली इंसुलेटिंग थी भी, जिसकी वॉल्स क्या थी, परफेक्टली इंसुलेटिंग, जैसे कोई हीट का एक्सचेंज ना हो सके भी, और उसकी उसकी बेस परफेक्टली कंडक्टिंग था भी, वॉल्स क्या थी, परफेक्टली इंसुलेटेड, और बेस क्या था, परफेक्टली कंडक्टिंग भी। इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ था, यस और नो? इसके अंदर एक गैस डाली गई थी, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ओके। सोर्स जो था टेम्परेचर, ये हीट दे सकता है Q1 में, कोई हीट हो सकती है Q1, ये हीट ले सकता है सिंक Q2, यस और नो? सबसे पहले से ने क्या किया, इस सिलेंडर को इस पर रख दिया भी, इंसुलेटिंग पैड, रबड़ की पैड थी भी। अब इसके पास ना तो हीट है, ना तो हीट ले सकता रबड़, और ना हीट दे सकता है अभी, क्योंकि इट इज इंसुलेटेड भी, यस और नो? तो एक पिस्टन एक जगह पे आकर रुक जाएगा, यस और नो? तो ये पिस्टन यहाँ पे है भाई, अभी यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम एक ही मिनट में, ये इसकी इनिशियल स्टेट है पिस्टन की भी, एट प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर इस पिस्टन को, इस सिलेंडर को उठा के यहाँ पे रख दिया गया सोर्स के ऊपर भी, सोर्स पे क्या करेगा, ये सोर्स से हीट लेगा Q1 एट हाई टेम्परेचर T1, यस और नो? तो गैस क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यस और नो? क्या करेंगी, एक्सपेंड, तो ये एक्सपेंशन होगा, इस पे आते ही क्या होगा, एक्सपेंशन, कितनी हीट ले रहा है Q1, किस टेम्परेचर के ऊपर, T1, तो T1 तो कॉन्स्टेंट हो गया इसका, यस और नो? तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट है, कर लोगे। तो इसका पिस्टन उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर भाई, यहाँ पे आ गया मान लेते हैं, इसकी फर्स्ट पोजीशन थी ए, अभी बी पे आ गया, अभी कौन सा एक्सपेंशन हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, यस और नो? फिर इस सिलेंडर को उठा के यहाँ वापस यहाँ पर रख दिया गया अभी, अब क्या होगा, न तो हीट लेगा न हीट देगा, हीट कांस्टेंट, यस और नो? हीट कांस्टेंट किस में होती है, एडियाबेटिक के अंदर, लेकिन अंदर की गर्मी की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड और भी होगा, पिस्टन यहाँ पे चला जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा लेकिन हो तो होगा, गैस गर्म हो चुकी है अंदर की, यस और नो? अभी भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ही हो रहा है, पिस्टन उठ के कहाँ पर चला गया, बी से सी पे, कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी, हीट क्या है, कॉन्स्टेंट, यस और नो? समझ में आ रहा है? फिर इस पिस्टन को उठा के यहाँ पर रख दिया गया, सिलेंडर को उठा के सिंक के ऊपर, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, कम टेम्परेचर पे क्या हुआ, गैस कंप्रेस होंगी, नीचे आएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा पिस्टन, डी पे, यस और नो? समझ में आ रहा है, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे डी पे, तो एक्सपेंशन हो रहा कि कंप्रेशन हो रहा है अभी, कंप्रेशन, T2 पे कांस्टेंट है इसका, तो इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन भी, आइसोथर्मल कंप्रेशन, समझ में आया? तो कहाँ पे पहुँच चुके हम लोग अभी, डी पे, कर लोगे। फिर इसको उठा के वापस कहाँ रख दिया जाएगा, इंसुलेटिंग पैड के ऊपर, यस और नो? हीट क्या है, कांस्टेंट, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है।
अंदर की गैस क्या हो रही है, कोल्ड हो रही है, ठंडी हो रही है, अभी थोड़ा सा वो क्या करेंगी, नीचे आएंगी। कहाँ पे आ जाएंगी, नीचे, वापस ये पे। यस और नो, कौन सा कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एक साइकिल पूरा जहाँ था वहीं पे आ गया, समझ में आई बात है। ये है कार्नोट साइकिल भी। एनी प्रॉब्लम क्लास, दोबारा बताऊँ, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। इसको डायग्राम बनाना है आपको, एक एक बार लिख लेते, उसके बाद बनाइए डायग्राम्स। तो लिखिए, वी हैव, पहला पॉइंट डालिए, सोर्स ऑफ हीट। पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर T1, सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर T1, ओके, गिव Q1 हीट भी। कितनी देता है ये Q1 एट हाई टेम्परेचर T1, गिव Q1 हीट भी। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे। आगे लिखिए सिंक, सेकंड पॉइंट डालिए, सिंक क्या है, सिंक इज एट लो टेम्परेचर T2, सिंक इज एट लो टेम्परेचर T2, ओके, ड्रान DRAWN, ड्रान Q2 हीट भी, ड्रान Q2 हीट। ये Q2 हीट लेता है अभी, देता नहीं है, ले रहा है। यस और नो, कहाँ से लेता है ये, वर्किंग सब्सटेंस से भी, कर लोगे। थर्ड पॉइंट डालिए, वर्किंग सब्सटेंस लिखिए, वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वी हैव 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, एट इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। कौन कौन से हैं, P1, V1। उसकी पहले इनिशियल प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, कर लोगे, हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं लिखने की, इंसुलेटिंग पैड क्या होता है, बस इंसुलेटर है जो हीट को ना तो देता है ना हीट से लेते, ये ले रहा है अभी, कर लोगे। इसके बारे में बताते हैं आपको, लिख लीजिए नेक्स्ट में, पॉइंट मत बनाना, सिंपल लिखो। लिखिए, वी हैव ए सिलेंडर ऑफ इंसुलेटेड वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस भी, इंसुलेटिंग वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस हैविंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। समझ में आ रहा है कुछ, यानी जो हीट का एक्सचेंज हो ना, वो यहां से ना होके बेस से होगी सारा, इसलिए क्या किया गया, इसकी बेस को कंडक्टिंग किया गया है। अभी कर पाओगे, ये था अभी आपका कंप्लीट एक सर्किट, जो भी सॉरी डायग्राम जिसमें हमने बनाया था, डायग्राम बना लीजिए इसका। लिखिए, कार्नोट साइकिल हैव फोर स्टेप। पहला कौन सा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी। सेकंड स्टेप कौन सा था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी, ओके। थर्ड स्टेप कौन सा था, आइसोथर्मल कंप्रेशन भी। यस और नो, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फोर्थ स्टेप कौन सा था, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो पूरा कार्नोट साइकिल जो है वो चार स्टेप में बढ़ता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशंस,
एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो आपको चारों स्टेप करनी है अभी। पहला पॉइंट है इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी। क्या करना है आपको इसके अंदर? आपको सिलेंडर को उठा के कहाँ रखना है? सोर्स पे रखना है। यस और नो? तो सोर्स से हीट लेगा, कितनी हीट लेगा? Q1 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1। तो कौन सा है? आइसोथर्मल है। यस और नो? और एक्सपेंशन होना है, पक्की बात है अभी। तो पिस्टन क्या करेगा? ऊपर जाएगा। तो उस कंडीशन में कितना वर्क करना पड़ा अभी आपको, या सॉरी कितना वर्क किया किसने? सिस्टम ने भी। ओके तो कितनी वैल्यू होगी भाई? देखिए जब इनिशियली में प्रेशर कितना था? P1 था। वॉल्यूम कितना था? V1 था। अब चेंज हो गया होगा तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज कहाँ से हो चले जाएंगे? P2 V2 पे चले जाएंगे। तो लिख लीजिए इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम कौन सा था? P1 V1। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज इनटू किस में चले जाएंगे? P2 V2। यस और नो? चेंज इनटू P2 V2। अब देखो भाई अगर मैं डायग्राम बनाऊं PV डायग्राम्स भी और आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, ये आपको बनाना नहीं है अभी, ये लास्ट में बनाना है बिल्कुल। कर लोगे? ये सिर्फ मैं बना रहा हूं अभी। तो ये मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन अभी, ए पॉइंट P1 V1, कुछ तो प्रेशर होगा कुछ तो वॉल्यूम होगा भाई। यस और नो? अब जब एक्सपेंड करेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा भाई? वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पक्की बात प्रेशर घटेगा भाई। तो अगर आपका शेप कैसा रहेगा? ऐसा घट के आएंगे वैल्यूज पहले से। यस और नो? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पहुँचना है अभी। ये पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट। कौन सा? P2 V2। तो ये ए से बी जो चला है ये कौन सा किसको दिखा रहा है? ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को दिखा रहा है। कर लोगे? तो इस दौरान कितना वर्क करना पड़ा अभी आपको? सोर्स ने कितना हीट दिया? कितना हीट दिया? Q1। उस पर वर्क हुआ होगा W। यस और नो? तो आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर कितना वर्क होता है? RT1 लोगरिथम V2 by V1 बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम भी। तो लिख दो बाय द सिस्टम भी। तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा? तो ये जो वर्क है पहला वर्क W1 ले ले इसको। ये किस कंडीशन में हो रहा है? आइसोथर्मल कंडीशन में हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। तो दिस इज द आंसर। यस और नो? तो सिंपल बात है भाई, Q1 इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू RT1 लॉगरिथम कितना? V2 by V1 प्लस का आंसर भी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। लिखो, कुछ नहीं करना आपको, डेट इक्वेशन यूज करनी है। कर लोगे? समझ में आया अभी? सेकेंड पॉइंट क्या है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? अब उसी पिस्टन को उठा के, उसी सिलेंडर को उठा के कहां पर रखेंगे? इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे भी। जब उसको इंसुलेटिंग पैड पर रखेंगे तो हीट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो रबड़ की पैड यूज की गई है वो ना तो हीट लेगी ना हीट देगी। यस और नो? लेकिन क्या होगा, जो गैस एक्सपेंड कर रही थी अपनी ही गर्मी से, वो अभी वो थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे फिर से। तो लिख लीजिए इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन P2 V2 चेंज इनटू P3 V3। यस और नो? पहली वाली कंडीशन में कितना आंसर था? P2 V2 तक पहुंच चुके थे। अब थोड़ा और बदलेगा, P2 V2 से कहां जाएंगे?
P3 V3 पे अभी भी क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन ही हो रहा होगा, लेकिन पहले से कम होगा। ये सर नो, थोड़ा ग्राफ ऐसा बनाएंगे। ये पॉइंट सी है भाई, हम सी पे पहुंच चुके हैं। P3 V3 सही लिखा है। तो बी से सी जो ग्राफ दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशंस को। तो इस दौरान कितना वर्क किया गया होगा, अभी रब कर दें, कितना कितना वर्क किया गया होगा। देखिए W2 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है भाई, R T2 माइनस T1, 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। पहले से टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, देखो अभी हमें दो टेम्परेचर हैं, ज़्यादा T1 कम T2 कुछ भी हो सकता हो, कर लोगे तो गैस थोड़ी सी ठंडी होगी पहले से, तो इसलिए कम एक्सपेंड कर रही है, यस और नो। तो R T2 माइनस T1 1 माइनस गामा ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम भी, तो बाय द सिस्टम भी यस और नो, एक्सपेंशन हो रहा है तो प्लस का कि माइनस का भी, तो W2 की वैल्यू कितनी भी प्लस की रहेगी, R T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, यस और नो। समझ में आई बातें, दो ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, एक एडियाबेटिक का यूज करेंगे, एक आइसोथर्मल का यूज करेंगे। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इतना अरब कर दें भाई, इक्वेशन नंबर 2 मानिए इसको भी, इक्वेशन 2 हो गया, थर्ड पॉइंट है आइसोथर्मल कंप्रेशन भी। कहाँ पे रखा हुआ सिलेंडर, अभी सिंक पे रखा हुआ है, यस और नो, सॉरी कहाँ पे रखा हुआ है, इंसुलेटिंग पैड पे रखा हुआ है। अब इसको उठाए कहाँ रख देते हैं, सिंक पे रख देते हैं। सिंक का टेम्परेचर कितना है, T1 T2 जो कि कम है, यस और नो। तो क्या करेगा वो, जो सिस्टम है, जो पिस्टन, जो सिलेंडर आप यूज कर रहे हो, वो अपनी हीट को कहाँ दे देगा, सिंक को दे देगा, एट लो टेम्परेचर्स भी, यस और नो। तो कंप्रेशन होगा कि एक्सपेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। तो लिख लीजिए, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन P3 V3 चेंज इनटू P4 V4 में, P4 V4 बदलेंगे। अब नीचे आ रहा है, P बदलेगा, V बदलेगा, यस और नो। इस ग्राफ में देखिए, अभी कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो शेप चेंज हो जाएगी ऐसे। ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये डी पॉइंट है, P4 V4। ये देखा किसको रहा है, सी से डी, आइसोथर्मल कंप्रेशन को दिखा रही है, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कितना वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम, क्यों ऑन द सिस्टम पे, तो लिख लीजिए वर्क डन ऑन द सिस्टम इज क्यू, कितनी हीट देगा अभी सिस्टम को, ये सिंक को कितनी हीट देगा, Q2। तो Q2 हीट देना है इसको, तो इसके लिए वर्क कितना करना पड़ा, W3 थर्ड स्टेप का वर्क है, यस और नो, इज इक्वल टू RT, कौन सा टी भाई, T2 लॉगरिथम V4 बाय V3, यस और नो, फाइनल बाय इनिशियल्स, पहले V2 बाय V1 था, अब की बार V4 बाय V3। इस कंडीशन में फाइनल कौन सा है, V4 है, इनिशियल कौन सा है, V3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ऑन द सिस्टम काम किया जा रहा है, तो माइनस का है, दिस इज माइनस, यस और नो। कई जगहों पे इसको माइनस W लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ टाके यहाँ लग दो माइनस माइनस W3, यस और नो, कर पाओगे, तो बस इतना ही है। अब क्या करेंगे, सिंक से सिलेंडर को उठाए कहाँ रखना है, इंसुलेटिंग पैड पे रखना है अभी। तो पैड क्या होती है, पैड के अंदर क्या होगा, हीट कांस्टेंट रहेगी, तो एडियाबेटिक होगा, लेकिन गैस अपने आप क्या हो रही है, कोल्ड हो रही होंगी, अपनी किससे, कोल्डनेस से जो हो रही थी वो लो टेम्परेचर की वजह से,
तो थोड़ा सा और क्या करेगा सिस्टम, कंप्रेस करेगा, यस और नो? तो डी से चेंज होकर कहां पहुंच जाएगा? ए पे, यस और नो? तो लिख लीजिए इन, एक मिनट इसको इक्वेशन बना लीजिएगा, इक्वेशन नंबर कौन सी है? थर्ड में लिखिए इन, फोर्थ पॉइंट डालू, फोर्थ एडियाबेटिक कंप्रेशन हुई, लिखिए फोर्थ पॉइंट के अंदर एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर लिखिए, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन P4V4 चेंज इनटू P1V1 जहां पे पिस्टन था वहीं पे आ गया घूम फिर के, यस और नो? तो चेंज इनटू P1V1 बाय द सिस्टम, क्यों द सिस्टम भी ऑन द सिस्टम, सो लिखिए सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, W4 ले लूं, सिंपल फॉर्मूला था भाई, RT2 - T1 / 1 - गामा, यस और नो? बट विद माइनस साइन, किसमें? ऑन द सिस्टम है भाई, यस और नो? ये पूरी स्टेप पूरी हो चुकी है, चारों स्टेप भी अगर आपको निकालना पड़ जाए चारों स्टेप्स के आंसर्स भी, तो क्या करोगे? देखिए चार स्टेप्स में से दो वर्क तो ऑन द सिस्टम है भाई, और दो वर्क बाय द सिस्टम है भाई, दो प्लस के दो माइनस के, ये मैंने लिखा हुआ है, यस और नो? इनको नेट की तरह में डाला जाए, नेट की वर्क की तरह में, तो कैसे निकालोगे इनको? इतना हो गया, डायग्राम बनाओ ये बोला भाई, इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल्स भी, चल रहा है, क्या बोलते हैं इसको? कार्नोट साइकिल्स। देखो ए से बी क्या दिखाता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, बी से सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी से ए एडियाबेटिक कंप्रेशन, समझ में आ रहा है? डायग्राम बनाइएगा, इसको रब कर दूं, इक्वेशन नंबर फोर मान लो इसको, इक्वेशन नंबर फोर भी ठीक है, वर्क डन इन वन साइकिल भी, एक साइकिल में कितना वर्क हुआ भाई, टोटल वर्क निकालना है आपको। तो देखिए दो वर्क तो क्या है, बाय द सिस्टम है, और दो वर्क क्या है, ऑन द सिस्टम है, तो कौन कौन से थे? W1 W2, ये क्या थे? वर्क डन बाय द सिस्टम भी, यस और नो? बाय सिस्टम, सही है कि नहीं है? और W3 W4 वाले कौन से थे? वर्क डन ऑन द सिस्टम भी, यस और नो? समझ में आ रहा है? टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क W = लिख दूं W1 + W2 - W3 + W4, माइनस क्यों लिखा? ये बाय ऑन द सिस्टम है, ये क्या है? बाय द सिस्टम है, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो इसको ऐसे ले सकता हूँ W = W1 + W2 - W3 - W4, यस और नो? अगर आप चेक करो ना इक्वेशन नंबर, लिखिए फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ को चेक करो इक्वेशंस को, देखिए कौन कौन सी, सेकेंड और फोर्थ को जब जोड़ेंगे ना हम लोग तो आंसर जीरो हो जाएगा, देखिए है ना, माइनस का फर्क असर उनमें जरा। अब देखो एक दो तरीके भी करने के टॉपिक को, एक तो मैं माइनस मैंने वहीं पे लगा लिया, अगर वो माइनस अब यहाँ पे लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा सारा टॉपिक्स भी आपका, एक जगह माइनस यूज करो कौन से कब, तो वहाँ पे कर लो तो यहाँ पे कर लो, इस रिलेशन में पुट करोगे ना तो आपको लगेगा कि माइनस माइनस क्या होगी प्लस होगी, ऐसा नहीं होना भाई, वो माइनस या तो एक जगह पुट करो, वो था ना ऐसे लिखा था हम लोगों ने ऐसा W4 = -R T2 - T1 / 1 - गामा, ये तो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, तेरी मर्जी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है तो ये W4 को माइनस मत करो, इसको प्लस रखो,
इसको सभी को लिखो ऊपर, W1+W2+W3+W4, अपपुट करो आंसर भी वही आएंगे, माइनस के आएंगे आंसर साथ में, तो माइनस को एक विकल्प एक इनपुट करोगे, ठीक ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ फ्रॉम टू एंड फोर्थ चेक करो दोनों का आंसर जीरो होएगा, जोड़ दे दो क्या सर नो, जोड़ना ही तो है नेट में, इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा भाई। तो क्या बचा सिर्फ, डब्ल्यू इज इक्वल टू W1-W3, ये जीरो हो गया, जोड़ के देख लो यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए W इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन को चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन को W1 इक्वल टू Q1 लिखा हुआ मैंने, यस सर नो, लिख सकता हूँ Q1। और W3 को क्या लिखा हुआ है, Q2 लिखा हुआ है, चेक करो, यस सर नो, इक्वेशन 3 को चेक कीजिए, Q1 हीट से W1 वर्क हुआ होगा और Q2 हीट रिजेक्ट करने से W3 वर्क हुआ होगा, यस सर नो, दिस इज द आंसर W4। भाई हम लोगों ने PV डायग्राम से वर्क निकाला हुआ है, कैसे, एरिया अंडर द ग्राफ, यस सर नो, अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालो तो कैसा बचेगा, इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्यों, ये बाय द सिस्टम, ये ऑन द सिस्टम, अभी तो क्या बचना है, ये एरिया बचना है इनके बीच का, इस पूरे एरिया में से ये घटा दूं नीचे वाला, तो क्या बचना है, ये तो बचना है, तो क्या ले सकता हूँ इसको W को मैं, एरिया ऑफ किसका भाई, एरिया ऑफ ABCDA, क्या सर ना, एरिया ऑफ ABCDA, एरिया इन द कर्व, इन द साइकिल्स, गिव द वर्क डन, कर पाओगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन भी, एफिशिएंसी निकालनी है, क्या होता है एफिशिएंसी, क्लास याद है आपको, लिख लीजिए, इट इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स वे, टोटल अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। हम ये टॉपिक पहले कर चुके हैं, एफिशिएंसी क्या था, कितना वर्क हुआ भाई बाई कितना हीट लिया गया सोर्स से, वही होता है एफिशिएंसी। तो हम W की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, कितनी आई थी, Q1-Q2 बाई Q1, यस सर नो, इसको मैं ले सकता हूँ एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1-Q2 बाई Q1 भाई, यस सर नो, इतने से काम चल जाएगा अभी। लेकिन यही आंसर उसका भी था, पहले वाले इंजन का भी था, तो कुछ तो अलग कर रही है थोड़ा सा पहले वाले से, यस सर नो, तो कैसे करें अलग भी, देखिए अब इसमें चार स्टेप हो रही हैं भाई, पूरे टॉपिक में चार स्टेप में यूज किया जा रहा है। पहला स्टेप क्या है, ए से बी, लिखिए फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, जल्दी लिखिए, अब डायग्राम चेक करते चले जाओ, ए से बी क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आपको याद हो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइसोथर्मल भी, याद है कुछ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी, या सर नो, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक भी, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या सर नो, तो इन्हीं को यूज करना इक्वेशंस को मेरे को। फ्रॉम ए टू बी क्या हो रहा है, लिख लीजिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ओके, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV कहां से चेंज हो रहे हैं, P1 V1 से P2 V2 तक, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसको, इस टॉपिक की फर्स्ट इक्वेशन, यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कोई अलग नहीं कि हम लोगों ने पहले कर चुके हैं हम लोग, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए फ्रॉम
बी टू सी, लिखिए फ्रॉम बी टू सी क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी लिखिए फ्रॉम बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो पीवी कहां से कहां तक चेंज हो रहे हैं, पी टू वी टू से पी थ्री वी थ्री, ग्राफ चेक कितने तक जाओ, यस सर नो, तो कैसे लिखे एडियाबैटिक को देखिए क्लास यहां पे, पी टू वी टू गामा इक्वल टू पी थ्री वी थ्री गामा, यस सर नो, इक्वेशन सेकंड भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एनी प्रॉब्लम? उसके बाद कहां से करें, थर्ड पॉइंट क्या था, फ्रॉम फ्रॉम सी टू डी, सी से डी से किसी डायग्राम से, सी से डी में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कहां से कहां तक चेंज कर रहे हैं हम लोग, पी थ्री वी थ्री से पी फोर वी फोर, यस सर नो, करो आइसोथर्मल के लिए कैसे लिखोगे, पी थ्री वी थ्री इज इक्वल टू पी फोर वी फोर, यस सर नो, इक्वेशन नंबर थर्ड वे, सही लिखा है। आगे लिखिए फ्रॉम डी टू ए, फ्रॉम डी टू ए, डी सी एच चेक कीजिए क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है अभी, यस सर नो, तो कहां से कहां तक चेंज किया जा रहा है, पी फोर वी फोर से पी वन वी वन तक, यस सर नो, तो कैसे लिखोगे एडियाबैटिक की फॉर्म में इसको, पी फोर वी फोर गामा इज इक्वल टू पी वन वी वन गामा, इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है, चारों स्टेप लिखोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन टू थ्री एंड फोर, सभी को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर, इक्वेशन को गुणा किया गया, तो कैसे लिखेंगे देखिए, पी वन वी वन गुणा करनी जाती है, लेफ्ट की गुणा लेफ्ट के साथ, राइट वालों की गुणा राइट वालों के साथ, पी वन वी वन, पी टू वी टू गामा, पी थ्री वी थ्री, पी फोर वी फोर गामा, ये तो हो गया एक साइड वाला, चेक करो दूसरा वाला, पी टू वी टू, पी थ्री वी थ्री गामा, पी फोर वी फोर, पी वन वी वन गामा, भी चेक करो भाई, आपके पास चार इक्वेशन है, लेफ्ट की गुना लेफ्ट के साथ, राइट की गुना राइट के साथ भी, यस सर नो, अब देखो इस पूरी इक्वेशन से, यहाँ से देखिए पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर कैंसिल हो गए, यस सर नो, क्या बचा, वी वन V2 गामा, V3, V4 गामा, यस सर नो, यहाँ पे V2, V3 गामा, V4, V1 गामा, P वाले काट दिए सारे हम लोगों ने, जल्दी करो, ठीक है, ऐसा करते हैं अभी, एक तरफ इवन वाले इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरफ ओड वाले करें इकट्ठे, यस सर ना, तो ईवन वाले कौन कौन से हैं, इस तरफ ईवन वाले रख देते हैं, मर्जी आपकी कोई भी रखो, वी वन है वहां से वी वन आए तो डिवाइड में आएगा, इसको ऐसे ले सकता हूँ, वी वन वन माइनस गामा, यस सर ना, वी वन डिवाइड बाई वी वन गामा, ऊपर पावर ले जाएंगे तो वी वन वन माइनस गामा, यस सर ना, और वी थ्री है उस तरफ से, वी थ्री लेके आए तो वी थ्री गामा की टर्म में आएगा, डिवाइड में हो गए तो क्या आएगा, वन माइनस गामा, एनी प्रॉब्लम भाई, समझ में आया, इक्वल टू यहाँ पे टू वी टू है भाई, यहाँ से वी टू लेके जाए तो डिवाइड में जाएगा, तो कैसे लिखोगे, वी टू वन माइनस गामा, और यहाँ पे वी फोर है तो वी फोर गामा जाएगा तो वी फोर वन माइनस गामा, यस सर नो, क्या पावर कट रही है दोनों तरफ, इसकी पावर कितनी है, वी वन वी थ्री की पावर पूरी वन माइनस गामा, इसकी पावर वी टू वी फोर की वन माइनस गामा, वन माइनस गामा से वन माइनस गामा कैंसल, यस सर नो, तो लिख सकता हूँ वी वन वी थ्री इक्वल टू वी टू वी फोर,
यस और नो? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, यस और नो? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? देखिए कैसे लिख रहा हूं, वी टू बाई वी वन, वी थ्री बाई वी फोर, ये वी वन यहां पे ले गया डिवाइड में, इसको यहां पे ले आया डिवाइड में, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मेरा वी टू बाई वी वन किसके बराबर है, वी थ्री वी बाई फोर। ये नोटंकी करनी पड़ी हमको बेचारी, कर लोगे? या टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, कैसे लिख सकते हैं? लॉगरिथम v2 टू बाई वी वन इज इक्वल टू लॉगरिथम, लिख सकता हूं v3 थ्री बाई वी फोर। सीधी सी बात ये है भाई, लॉगरिथम v2 टू बाई वी वन की वैल्यू किसके बराबर है? लॉगरिथम v3 थ्री बाई वी फोर। मेरे को यही प्रूव करना था यहाँ पे। इसका फायदा क्या है, रब कर दें। दो वर्ग बचे हुए मेरे पास, दो वर्ग कौन कौन से बचे हुए हैं? डब्लू वन और डब्लू थ्री। यस आर नो? चेक करो भाई, डब्लू वन और डब्लू थ्री। तो व्हाट इज द वर्क डन ऑफ डब्लू वन का, कितना वैल्यू था भाई? आर टी वन लॉगरिथम वी टू बाई वी वन। यस आर नो? दूसरा था डब्लू थ्री आर टी टू माइनस था लॉगरिथम वी फोर बाई वी थ्री। माइनस अंदर ले जाऊं तो उल्टा हो जाता है अभी, लॉगरिथम का माइनस उल्टा अभी। आपको पता नहीं है क्या, लॉगरिथम ए बाई बी कैसे लिखोगे? लॉगरिथम ए माइनस लॉगरिथम बी। यस और नो? बार माइनस हो तो इसका भी माइनस होना चाहिए। यस और नो? माइनस अंदर जाएं तो ये माइनस लॉगरिथम ए प्लस लॉगरिथम बी। अब क्या फॉर्मूला बनना है? लॉगरिथम बी बाई ए। यस और नो? अगर इसका उल्टा कर दो तो माइनस बदल जाएगा। मैंने माइनस चेंज कर दिया भाई, वी फोर बाई वी थ्री था, मैंने क्या कर दिया वी थ्री बाई वी फोर। यस और नो? करके बताऊं? कर पाओगे? अब देखिए ये क्या था, कुछ याद है? इट इज क्यू वन, इट इज क्यू थ्री, क्यू टू सॉरी क्यू टू। यस और नो? तो व्हाट इज द एफिशिएंसी, इसको डिवाइड करके देख दूं, डिवाइड करूं, क्या था एफिशिएंसी में? वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। चेक करो, वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। पुटिंग द वैल्यूज, भी वैल्यू है हमारे पास सभी इनकी, कितनी वैल्यू रखें? देखिए यहां पर रखते हैं वैल्यू को, देखो भाई क्लास, यहां पे Q2 की वैल्यू कितनी है, एफिशिएंसी लिखनी है। Q2 इज इक्वल टू वन माइनस Q2 कितना है यारा? R T2 लॉगरिथम V3 बाई V4। यस और नो? डिवाइड बाई Q1 कितना है? R T1 लॉगरिथम V2 बाई V1। R से R काट दो। यस और नो? लॉगरिथम v3 थ्री बाई वी फोर लॉगरिथम वी टू बाई वी वन बराबर है भाई, प्रूव कर रखा हम लोगों ने। yes, तो कट जाएंगे? यस और नो? सर ये काटने के लिए इतना कुछ करना पड़ता हमको, अभी कर लोगे? yes. ये कटे, क्या बचा? एफिशिएंसी भी, वन माइनस टी टू बाई टी, ये हम पहले भी कर चुके हैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर्स में। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन्स, इसमें हमारा फार्मूला आता भाई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन, ये था ना? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस टी टू बाई टी वन। अगर आपको निकालना हो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? वन माइनस टी टू बाई टी वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड, इट इज कॉल्ड परसेंटेज एफिशिएंसी भी। ओके तो किस कंडीशन के अंदर आपके इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? वीडियो चल रही है अभी, चेक करना एक बार, चल रही है नीचे टाइमिंग चल रहा है और दिख नहीं रहा होगा। तो किस कंडीशन में एफिशिएंसी 100% हो सकती है भाई? जब ये जीरो हो जाए तो वन माइनस हंड्रेड कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा अभी, तो अब इसको जीरो करना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, अभी केस फर्स्ट बना सकते हैं, किसका कर रहे हैं हम लोग? जब आपकी इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाए 100%,
तो पहला केस क्या हो सकता है कि टी वन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, टी वन की वैल्यू कितनी हो जाए, इन्फिनिटी, मतलब आपके इंजन में से इनफाइनाइट टेम्परेचर की हीट दी जाए, यस आर नो। तो वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है, ये हो गया इन्फिनिटी, हो गया वन बाई इन्फिनिटी होता है जीरो, यस आर नो, ये जीरो इंटू गुणा में टी टू जीरो हुई, तो क्या बचा, वन इंटू हंड्रेड, एफिशिएंसी कितनी होगी 100%। ये तो पॉसिबिलिटी ये हो कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, इन्फिनिटी करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, कर लोगे। सेकंड केस भी, केस टू ये हो सकता है कि टी टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टी टू जीरो हो गया, सारा जीरो, वन इंटू हंड्रेड, एफिशिएंसी कितना हुई 100%। इसको इमेजिन कर पा रहे हो, टी टू अटमेज कितना हो जाए 100 सॉरी 0, यानी सिंक को कितना मिले टेम्परेचर, जीरो मिलेगा।